नमस्कार दोस्तों, अब मैं आपको लेके चलता हूँ जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग 1919 में 13 अप्रैल को यहाँ पर एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे हिंदुस्तान को हिला दिया था, और उस घटना में कई लोगों को जनरल डायर ने मार दिया था, शहीद कर दिया था। दोस्तों, हम जनरल डायर की करतूत को देखते हैं कि किस तरीके से उसने कितने लोगों को मारा। अब हम एंटर कर रहे हैं जलियांवाला बाग में। दोस्तों, जनरल डायर ने जो हज़ारों लोगों को मारा था, तो उसका बदला सरदार उधम सिंह ने लिया था। सरदार उधम सिंह ने लंदन में जाकर उसको मारा था और अपना बदला पूरा किया था। It was 9th April 1919. Punjab was sent to the festival of Ramnava. These celebrations too were looked upon by the British as conspiratorial meetings. Leaders like Ram Kujita, Uthacha, Dhandas, Uthachand and others were moving the new security to host the British. Amidst this, Obaya ordered the arrest and deportation of Dr. Kichu and Dr. Sarkar, two of the leaders of Amritsar. On 10th April itself, the arrest of Dr. Saifuddin Kichu and Dr. Sarkar, along with the leaders, led to a complete standstill in Amritsar. It was this unprovoked open firing on these weapon armed that agitated the protesters, leading to incidents of violence in which 5 Europeans were killed. Unfortunately, it was the attack on this ship in Uchankongla that this atrocious area was attended to by them. The said British ship returned their enemies to the Kulin Gulf. The violence inside of the Indian Army and an uneasy calm prevailed, but the British feared the siege down the empire of the armed march to Amritsar and stationed at strategic places. अमृतसर में अत्याचार एवं विरोध। पंजाब के लोगों ने पूरे जोश के साथ लूला सत्याग्रह में हिस्सा लिया, और ये अकारण न था। युद्ध के दुष्प्रभावों के अलावा लाहौर षड्यंत्र की नशंस यादें अभी तक ताजा थी। तो आप इस जगह को गौर से देख लीजिए, ये वही जगह है जहां जनरल डायर ने लोगों की गोली मारकर हत्या करने का ऑर्डर किया था। दोस्तों, ये जगह देख लो आप गौर से। रोलैंड एक्ट का विरोध करने के लिए लोग यहां एकत्रित हुए थे, बच्चे बूढ़े सभी लोग यहां थे, और जनरल डायर ने उन लोगों पर गोली चलवा दी थी। वो बच्चे बूढ़े सब यहाँ पर पूरी तरीके से मारे गए, हज़ारों लोगों की यहाँ मृत्यु हुई। दोस्तों, ये वही कुआं है जहाँ पर जनरल डायर ने जब गोलियाँ चलाई तो कुछ लोग अपनी जान बचाने के लिए इस कुएं में कूदे, लेकिन वो अपनी जान बचा ना पाए। आप देख सकते हैं कि काफ़ी गहरा है ये कुआं। इस कुएं में लोग जो कूदे थे, उसके बावजूद जनरल डायर के सैनिकों ने उन पर गोलियां चलाई, उसमें बच्चे बूढ़े सभी शामिल थे। दोस्तों, ये आप दीवार पे जो निशान देख रहे हैं, ये उस समय जब गोलियां चलाई तो कुछ गोलियां इन दीवारों पे भी लगी थी। ये निशान जो देख रहे हैं, ये वही गोलियों के निशान हैं।
मैं आपको नज़दीक से दिखाता हूँ। दोस्तों यहाँ कई म्यूज़ियम्स भी हैं, गैलरीज हैं, आप यहाँ आके उस दिन की घटना के बारे में जान सकते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं ये एक्चुअली जलियांवाला बाग हत्याकांड के स्मारक के तौर पे बनाया गया है। काफ़ी ऊंची मीनार है और मेरा मानना ये है कि उन शहीदों को याद करने के लिए इससे बेहतर चीज़ नहीं हो सकती। आप सोचिए कि क्या चीखों पुकार हो रही होगी उस वक्त यहाँ पर, छोटे बच्चे बड़े बूढ़े सब यहाँ पर चीख रहे होंगे और वो गोलियाँ चला रहे होंगे। बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक था रहा होगा मन। दोस्तों ये निशान जो आप दीवारों पे देख रहे हैं जैसे कि आपने पहले देखा था उसी तरह से ये भी गोलियों के ही निशान हैं। आप देखें कितनी गोलियाँ चलाई होंगी उन लोगों ने, कितने लोगों को, कितने मासूम लोगों को मार दिया होगा सिर्फ एक एक्ट का विरोध करने के लिए। दोस्तों ये वीडियो अगर आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों ये जो इमारत आप देख रहे हैं इस इमारत पर 28 गोलियों के निशान हैं जो जनरल डायर के आदेश पर चलाई गई थी, और आप ऊपर से लेके नीचे तक देख सकते हैं ये निशान आपको देखने को मिलेंगे। इस पूरे एरिए में आपको इस तरह के कई निशान देखने को मिल जाएंगे जहाँ पर गोलियों के निशान दिखाई दे रहे होंगे आपको। तो आप सोच सकते हैं कि वो मंज़र कितना ख़तरनाक रहा होगा और लोगों को बचने तक का भी मौका नहीं मिला होगा क्योंकि मेन गेट बंद कर दिया गया था और बेचारे यहाँ से निकल भी नहीं पाए होंगे। वैसे शहीदों को सलाम है जिन्होंने देश की आज़ादी में बिना किसी नाम और बिना किसी शोहरत के लिए अपनी जान गंवा दी। दोस्तों ये था जलियांवाला बाग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।